गाइस नमस्ते, आप सबको हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मेक श्योर आप अपने आप को जस्ट फ्री करो फ्रॉम लॉट्स ऑफ फियर, फ्रॉम लॉट्स ऑफ फैट एंड बहुत सारे अंडर कॉन्फिडेंस वाली जो भी चीज़ें आपके साथ दिमाग में चल रही है, अपने गुस्से से अपने आप को क्लियर करो, बिल्कुल हटाओ उसको, बिल्कुल फ्री करो अपने आप को एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. अपने आप को हेल्दी रखो, फिट रखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप हर चीज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में. जितना जैसे जैसे आपकी बॉडी पे मोटापा चढ़ता चला जाएगा, उतना आप अंडर कॉन्फिडेंस होते चले जाओगे. आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा लेजी हो जाएगी, आप बिल्कुल भी लथार्जिक फील करोगे, आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी एंड फैट जैसे जैसे आता है बॉडी के अंदर वैसे वैसे बहुत सारी बीमारियां बोनस में लेके आता है. सो मेक श्योर आप अपने आप को बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज से फ्री करो, अपने आप को बिल्कुल फिट रखो एंड अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे जाओ. जो करना चाहते हो आप वो करो एंड उन सबको करने की जो एनर्जी और जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो फर्स्ट बेबी स्टेप है. फर्स्ट स्टेप, जस्ट फर्स्ट वाला स्टेप है आपकी फिटनेस. अगर आप फिट हो आप कुछ भी कर सकते हो, ये एक बेसिक है. उसके बाद जाके आपका करियर आता है, उसके बाद जाके आपकी 10 चीज़ें आती हैं. आपकी रिपोर्ट यहाँ पे ख़राब है, आप 10 पता नहीं कितना अनगिनत पैसा छाप रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो सब फेल है. और आपका पैसा आपको हेल्थ नहीं दे सकता, आपका पैसा सिर्फ आपको हेल्थ रिलेटेड चीज़ें दे सकता है, बट उससे आप फिटनेस नहीं ले सकते. उसको करने के लिए आपकी खुद की ऑन मेहनत लगती है. ओके जी, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वेट लॉस के बैरियर के बारे में. अगस्त से लेके सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का ऐसा बहुत स्ट्रांग टाइम रहता है जिसमें लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है. अभी मेरे बैच में मैक्सिमम कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं, मेरे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बीमार हैं. खांसी, जुकाम, बुखार, इम्यूनिटी बिल्कुल टेस्ट पे होती है और उन सब की इम्यूनिटी फेल होती है. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्पाइसेस के बारे में, एक ऐसी किचन की बेसिक रेमेडी के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा आपके वेट लॉस में, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने में, आपको बचाएगा बहुत सारी इन्फ्लेमेशन से और आपको हेल्प करेगा आप अपनी वेट लॉस जर्नी आगे लंबे समय तक कंटिन्यू कर सको. जैसे ये मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हमारे को साइनस का प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है. आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे होते हैं बट बीच में एक बैरियर आ गया, खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, और वो फिर सीधा बेड पे पहुंच जाते हैं. सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, और उसके बाद सबसे मेजर इश्यूज पे अगर हम बात करेंगे किसी भी बॉडी टाइप का, सो बेली फैट, बेली को फ्लैट करने के लिए ना बहुत सारे लोग बहुत तरीके के मेथड्स लगाते हैं. ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वो टी चलेगा, ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा. बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक डाइट होती है, एक स्पेसिफिक तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हम कैरी करते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं और उसके साथ साथ अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं, बट उसके साथ हम कुछ ऐसी मैजिकल टीज अपनी डाइट में ऐड करते हैं जो कि वर्क करता है डायरेक्टली ऑन योर बेली. इन सब मैजिकल टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टी का मैं यहाँ पे बात करूंगी, वो हमारी सिनेमन टी. नाउ सिनेमन टी किस तरीके से वर्क करता है, सिनेमन के बारे में मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं और आज का एक अनदर वीडियो है ऑन सिनेमन. सो सिनेमन क्या करता है, सिनेमन बहुत स्ट्रॉन्ग ही एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेशन है. ये आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं आने देता, आपके बेली फैट को रिड्यूस करता है. कैसे रिड्यूस करता है, ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बहुत हाई करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. और जो जो लोगों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं आती है, जिनको बहुत लो ब्लीडिंग आती है, लाइक पीरियड्स जब होते हैं, लाइक 1 or 2 days के अंदर जिनके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, उनके लिए जो सिनेमन का टी है वो बहुत वर्क करता है, अच्छे से मिरेकल वर्क करता है. आपके पीरियड्स का फ्लो अच्छा निकलता है, जब पीरियड्स का फ्लो अच्छे से निकलेगा आप बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाओगे, आपका बेली जो है वो फ्लैट होगा. नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये बहुत स्ट्रांग काम करता है, आपको बीमार नहीं होने देता, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से वर्क करता है. बट सिनेमन जो है एक ऐसा स्पाइस है जिसको ना आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे डालोगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. इट्स लाइक खड़े मसालों में हम यूज़ करते हैं, गर्म मसालों में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको चावलों में यूज़ करते हैं. आप अपनी सब्जियों में या फिर अपने राइस में तो सिनेमन यूज़ कर ही रहे हैं. इसकी टी की रेसिपी बहुत अमेजिंग है, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगी. रिसेंटली मैंने ना खुद ही पिक्चर क्लिक करी, बिकॉज आई एम ऑन माय वेट लॉस जर्नी आफ्टर माय एंगेजमेंट. मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे खा पी रही हूँ, सो मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ कि मेरा मेटाबॉलिक रेट इतना स्ट्रांग हो कि मैं खाते पीते भी ना अपने आप को बैलेंस कर लूँ और मैं थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस कर लूँ, मेरा वेट ना बढ़े. सो ऐसी सिचुएशन में ना मैं पिछले आई गेस 8 to 10 days से सिनेमन टी अपनी डाइट में ऐड कर रही थी. और कल मैंने पिक्चर क्लिक करी लाइक दिस, और मैंने कल जब ट्राई भी करा ना अपने लाइक पुराने कपड़े, तो मुझे बहुत लूज लगा, स्पेशली फ्रॉम माय बेली. तो मुझे दिमाग में आया कि मैं सिनेमन टी ले रही हूँ, तो तभी मेरे को आइडिया लगा कि आज तो मैं सिनेमन टी की रेसिपी यहाँ पे पोस्ट करूँगी. और जो सिनेमन टी है वो स्पेशली वर्क करेगा आपके बेली पे, आपका बेली को बिल्कुल फ्लैट करने में आपको हेल्प करेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाएगा.
उसके साथ साथ आप एक स्पेसिफिक डाइट पकड़िए और इसको ऐड कीजिए। उसके अलावा भी आप सिनेमन के लड्डू यूज़ कर सकते हैं, लड्डू आप मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और उसके अलावा जो टी है हम लेंगे इवनिंग स्नैक्स में, इवनिंग टी के टाइम पे। नाउ ये बनाना कैसे है, चलते किचन में। ओके, टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे ऑरेंज, मौसम्बी, माल्टा, जो भी आपको मिल जाए इजी, हमें वो लेना है यहाँ पर। इसको हम छोटे 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 स्लाइसेस में काटेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए कच्ची हल्दी, टर्मरिक रूट, ये हमें चाहिए जस्ट दस मच। इसको हम छोटा 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 चॉप कर लेंगे। मार्केट में आ गई है कच्ची हल्दी, हर जगह आ गई है इस समय। सो ये हमें चाहिए इतनी हमारे को कच्ची हल्दी, ये कर दी हमने साइड में। और नेक्स्ट हमें चाहिए एक सिनेमन की स्टिक। सो अब हम बनाते हैं टी। ओके, यहाँ पे हमने पानी उबलने रख दिया है, इसके अंदर हम डालेंगे हमारा सबसे पहले ऑरेंज, आधा माल्टा मैंने लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं डालूंगी मेरी सिनेमन स्टिक। नेक्स्ट हम डालेंगे कच्ची हल्दी, और अब इन सबको हम बॉईल होने देंगे जब तक ये 1 कप जितना ना हो जाए, बिकॉज ये 2 कप्स है ऑलरेडी। इसको बहुत अच्छे से अब हम बॉईल करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी टी की। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस हो गई है पूरी की पूरी किचन में, और ये बिल्कुल रेडी है। अब देखो, आर पहली फैट कटर ड्रिंक इज रेडी। ओके, मेरी मिक्सी हो रही है ख़राब, बट इट्स ओके, अभी काम चला हुआ है, हम और लेके आएंगे। मैंने इसमें डाला है 1 कटोरी जितना ओट्स, हमारे बना रहे हैं हम सिनेमन के लड्डू। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी 1 स्टिक सिनेमन, एंड नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे मखाने, 1 मुट्ठी भर मखाना। और अब हम इन सबको अच्छे से पीसेंगे, बहुत अच्छे से इन सबको अब हम पीसेंगे, पाउडर बना देंगे। ओके, ग्राइंड होने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से है, एक आधा मखाना रह गया जी, हमारी मिक्सी ख़राब हो रही है। अब हम बना रहे हैं लड्डू। सो ये रहा मेरे पास देसी घी, ये मैंने डाला 1 चम्मच, ये मैंने डाला 2 चम्मच, और ये मैंने डाला आधा चम्मच और। इसको हम पिघलने देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ये पिसा हुआ मिक्सचर, ओट्स, सिनेमन एंड मखाना का। अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। एक मखाना रह गया हमारा पिसने में। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जागरी पाउडर, या गुड़ आप डाल सकते हो, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। गैस हम बंद कर देंगे, स्टिकी स्टिकी सा होना ये स्टार्ट हो गया है, इसको ठंडा करेंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच जितना और घी डालेंगे। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ओके जी, सो हियर वी गो, लड्डू रेडी हैं और इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे 1 वीक के लिए। वेलकम बैक जी। सो जो जो लोग सोच रहे हैं ना कि बेली फैट नहीं जाएगा, या जिन जिन लोगों का दिमाग में चल रहा है यार हम गए बेड पे, अब हम खड़े होंगे, हमारे में ताकत आएगी, 3-4 महीने बाद हम अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे, इस सब को भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ बैरियर है, उसको ख़त्म करेंगे और बैक टू नॉर्मल होंगे, हम अपनी बैक टू जर्नी पे पुश करेंगे। जो जो लोगों का वेट लॉस स्टक है, या जिन जिन लोगों का बेली नहीं जा रहा है, या फिर जिन लोगों का वेट लॉस बहुत रुक रुक के जा रहा है, दिस टी वर्क लाइक अ पुश, आपको पुश करेगा आपके वेट लॉस जर्नी को, एंड इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेशली योर बेली फैट। आप अपने बेली को नाप के रखिएगा इंचेस में, मैं नापना भूल गई थी, एंड 10-15 डेज के बाद यू विल सी मेरिकल रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट। आपको पता है सिनेमन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों को शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हायर साइड पे रहता है, जिनको PCOD की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, जिनकी नेक लाइन जो है वो ब्लैक हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द शुगर लेवल,
उनके लिए सिनेमन वर्क करता है मिरेकल की तरह। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ है, बहुत सारी ऐसी स्पाइसेस हैं, ऐसे हर्ब्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में अगर आप अपनी ऐड करेंगे, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और आप अपने आप को बीमारी फ्री कर देंगे हर तरीके से। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड मेक श्योर कि आप अपने घर में सिनेमन को यूज़ करें इन ईच एंड एवरी मील। थोड़ा थोड़ा सिनेमन का पाउडर डालें, अपने पास्तास भी बनाते हैं तो उसमें भी डालें, शाही पनीर बनाते हैं उसमें डालें, राइस में डालें, किनुआ में डालें, आपकी दालों में भी चुटकी भर सिनेमन डल जाएगा तो उससे कोई नुकसान नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड बहुत सारे लोगों की शादियां भी आ रही है, बहुत सारे लोगों के घर में फेस्टिवल भी है, हमारे यहाँ भी फेस्टिवल्स हैं, शादियां हैं बहुत सारी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है अक्टूबर में, सो मैं लेके आ रही हूँ ब्राइडल वेट लॉस डाइट प्रोबेबली ऑन थर्सडे। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग उस चीज़ का वेट करें, एक फास्ट वेट लॉस का डाइट जिससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपका वेट लॉस बहुत ड्रास्टिक होगा एंड उसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो ग्लो भी करेगी। So yeah, that's it and I'll see you soon. Take care, Ji. Bye-bye.